हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिलरुबा किचन हिंदी में। आज हमारे किचन में बनने वाली है मसाला फिश करी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही रिलेशन लगती है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके के साथ इसे बनाऊंगी। हर किसी को अपने हाथ का मसाला फिश करी पसंद होता है, तो एक बार आप मेरे तरीके से भी बनाकर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगी और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए हम बनाते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को। तो मसाला फ़िश करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़िश लिया हुआ, ये 500 ग्राम फ़िश है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी आधी छोटी चम्मच, और फिर मैं यहाँ पर नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक यहाँ पर ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी और नमक को हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज सिंपल तरीके से बना रही हूँ फिश करी को, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस सबको हम अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिल चुकी है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप इसे चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे सावधानी से एक एक करके इसे हमें ऐड कर देंगे फिश को। तो इस तरह से हम कवर करेंगे क्योंकि तिल के छींटे जो है वो पड़ने लगते हैं, तो इसीलिए हम इसमें ढक्कन से इसे कवर करते हुए इसे हम सावधानी से ऐड कर लेंगे। तो एक बार में जितना आएगा उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे हम डालने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। ध्यान रहे इसे हमें पहले नहीं पलटना है, नहीं तो वो टूटने लग जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसे हम पलटेंगे तो ये टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। एक साइड ये देख सकते हैं आप, मैं पलट रही हूँ, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया सा आ गया है। तो इसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐसे तो मछली फ्राई करना सभी को आता है, लेकिन बहुत से लोग मछली जब फ्राई करते हैं तो वो टूटने लग जाते हैं। तो रीज़न यही होता है कि हम तुरंत डालने के बाद एक मिनट के बाद तुरंत उसे पलट देते हैं। तो इस तरह से ना करें, पहले उसे अच्छे साइड एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाने दें, उसके बाद हम उसे पलटेंगे तो फिश जो है वो टूटेंगे नहीं। और डिपेंड करता है कि फिश ताज़ा है या फिर बर्फ़ वाला। बर्फ़ वाला क्या होता है ना कि उसे हम फ्राई जब करते हैं ना तो वो टूटने लग जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप 1 या 2 चम्मच उसमें गेहूँ का आटा जो है उसे ऐड करके और उसे मिला कर फ्राई करें। तो इस तरह से करने से जो फिश है वो टूटेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी यहाँ पर फिश फ्राई कर रही थी वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए दोनों साइड से। तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा हार्ड शेप है ये फिश हमारे। तो सेम प्रोसेस से जो हम बाकी सारे जो फिश है उसे हम फ्राई करेंगे इसी तरह से, दोनों साइड से अच्छे क्रिस्पी होने तक दोनों उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लिए हैं। फिर हम सेम प्रोसेस से हम सारे जो फिश है उसे हम ऐड कर देंगे। एक एक करके हम इसमें सारे ऐड कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप लगभग 3 से 4 मिनट के बाद ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करने में। ये देख सकते हैं आप ये भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे। एक साइड हम इस तरह से एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसे हम निकलने देंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो करी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मिक्सी का जार लिया हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ खड़े मसाले हैं। खड़े मसाले में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है काली मिर्च, थोड़े से काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, 3-4 हरी मिर्च है। और फिर मैंने यहाँ पे लहसुन लिया हुआ है और मेथी। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना आपको तीखा खाना पसंद है उसके हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे डाल देंगे इसमें मिक्सी के जार में। आप चाहें तो इसमें सरसों का जो दाना है उसे भी डाल सकते हैं और साबुत धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं। इसमें हम बस इतने ही मसालों का यूज़ करेंगे। तो इसे हम डाल दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम ढक्कन कवर करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल हमें इसका ऐसा ही पेस्ट बना लेना है मसालों का। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच सरसों का ऑयल। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों का ऑयल से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है।
फिर मैंने यहाँ पे जो फिश को फ्राई करके रखा हुआ था ऑयल, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा कि करी है उसमें जो फिश का मतलब टेस्ट है वो आ जाता है, तो इसीलिए हम वो तेल है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इस सबको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो ये ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज, ये 2 मीडियम साइज का प्याज है जिसे मैंने इसे बारीक काट लिया है। आप चाहे तो इसे लंबे शेप में भी काट सकते हैं। प्याज को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं प्याज का थोड़ा थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज होने लग गया है। इसी तरह से हम इसे प्याज को पकने देंगे, लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है पकने में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 मीडियम साइज के टमाटर थे जिसे मैंने इसे चॉप कर लिया है रफली। ये सबको हम ऐड कर दिए हैं। फिर ये सबको मिक्स कर देंगे। टमाटर को हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि जो ये टमाटर है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दिया है। ये सबको हम मिला देंगे। मसालों में हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करेंगे, बस हल्दी और नमक और थोड़े से हम यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था मसाला वाला पेस्ट खड़े मसाले का, उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आज इसे बना रही हूँ और ज़्यादा कुछ स्पेशल मसाले का भी यूज़ नहीं किया। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान, कोई भी इसे झटपट से बना सकता है। तो मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी, जो मसाले को ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और फिर हम इसे मिला देंगे। तो सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसका ढक्कन कवर करके इसे हम 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप ऑयल कितने अच्छे से ऊपर में सेपरेट हो गए हैं। और हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई। स्पैचुला की मदद से हम इसे टमाटर को प्रेस कर देंगे और लगातार हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देख सकते हैं हमें लगातार इसे भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि ऑयल जो है वो किनारों में सेपरेट ना होने लग जाए। इसी तरह से हम अच्छे से भूनेंगे मसालों को। हम जितना भूनेंगे जितना पकाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है फिश करी में। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर भी चेंज होने लग गया है मसालों में। तो स्पैचुला की मदद से इस तरह से टमाटरों को प्रेस कर दें ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा थिक बने। तो थोड़ा सा समय लग जाता है इसे मसालों को अच्छे से मतलब ये भूनने में। तो ये देख सकते हैं आप मसाले जो है बहुत ही अच्छे से मतलब भून चुकी है, तेल भी अच्छे से मतलब सेपरेट होने लग गई है किनारों में। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए जितना आपको मतलब ग्रेवी की थिकनेस रखनी है। अगर आपको पतली मतलब ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, और अगर कम पसंद है तो इसमें कम ऐड कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जितना आपको ग्रेवी की थिकनेस चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। बस ये परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही ग्रेवी मतलब अच्छी होती है फिश में। तो इसमें हम इतना ही पानी ऐड करें, मतलब टोटल मैंने यहाँ पे आधा कटोरी का पानी का यूज़ किया है। ये सबको हम अच्छे से मिला के फिर हम इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे। अगर आपको फ्राई किया हुआ फिश ज़्यादा पसंद है और आपको ग्रेवी वाली फिश नहीं पसंद है तो आप चाहें तो इस ग्रेवी को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चावल के साथ, क्योंकि मतलब फिश का मतलब टेस्ट है वो ग्रेवी में ऑलरेडी आ चुकी है। क्योंकि मैंने वहाँ पे फ्राई किया हुआ मतलब फिश को फ्राई किया हुआ जो ऑयल था मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो ग्रेवी में उसका मतलब स्मेल और उसका मतलब टेस्ट जो है वो आ चुका है। तो आप इसे चावल के साथ ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं और फ्राई किया हुआ फिश को अलग से खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर हम इसे अच्छे से एक बॉयल आ जाने देंगे। तो आप देख सकते हैं बॉयल आने लग गई है, तो अब हम गैस वो कर देंगे बंद। तो गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी फिश को। फिश को हम यहाँ पे लास्ट में ऐड कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बॉयल आने लग जाते हैं उसी टाइम उसे डाल देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गैस का फ्लेम बंद कर दें उसके बाद इसमें फिश को ऐड करें। क्योंकि फिश ऑयल मतलब ग्रेवी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और फिश बहुत जल्दी मतलब सॉफ्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो उतना सही नहीं लगता। तो गैस को जब बंद कर ले उसके बाद इसमें फिश ऐड करें। तो बस ये हमारी सब्जी जो है वो बनके तैयार हो गई है मसाला फिश करी। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म मसालेदार बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस हमारी मसाला फिश करी बनके तैयार हो गई है। तो देखा आपने बिना किसी स्पेशल मसाले के बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही आसान तरीके से आज की रेसिपी को मैंने बनाया है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगी और आपकी फैमिली को भी बेहद पसंद आएगी।
अचानक से घर पे जब मेहमान आ जाए तो झटपट से आप इस मसाला फिश करी को बना के उसे खिलाएं, बहुत ही तारीफ़ करेंगे कि मत पूछिए। और देखने में भी मतलब कितना कलरफुल लग रहा है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, और देखने में कितना टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है ये। तो एक बार तो ज़रूर ट्राई करना बनता है। अगर आप फिश खाना पसंद करते हैं तो मेरी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आई होप गाइस कि आपको मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।